हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम टॉप 5 ट्रिक्स के बारे में बात करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपको भी कोई बग या ट्रिक पता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम ट्रिक नंबर 1 से, जो कि आपको करनी है क्लॉक टावर में। आपको सबसे पहले बर्मुडा रिमास्टर में क्लॉक टावर में यहाँ पे आ जाना है। आप मैप पे अच्छे से लोकेशन देख लो, देन आपको इस हाउस के अंदर चले जाना है, जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। इसके बाद आपको ऊपर जाना है, हमारी ट्रिक जो है ऊपर ही है। ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे बीमा शक्ति की साइड इस हाउस में आ जाना है। देन आपको यहाँ पे अच्छे से पहले बैठ जाना है, जैसे मैं यहाँ पे अभी एम सेट कर रहा हूँ। आपको भी पहले यहाँ पे एम सेट अच्छे से करना है, तो आप फिस्ट का यूज़ कर सकते हैं एम सेट करने के लिए अच्छे से। देन आपको यहाँ पे एक लैंडमाइन लगा देनी है। तो आप जैसे लैंडमाइन यहाँ पे लगाओगे, आप देख सकते हो लैंडमाइन जो है कम्प्लीटली हाइड हो चुकी है, बिल्कुल भी नहीं दिख रही। मैं अभी यहाँ पे आपको ऊपर से भी अच्छे से दिखा देता हूँ। और आपको पता ही होगा, अगर एनिमी इस हाउस में आता है तो बहुत सारे एनिमी इसी वे का यूज़ करते हैं फिर बाहर जाने के लिए। मैं आपको बाहर से भी दिखा देता हूँ, लैंडमाइन जो है बाहर से भी कम्प्लीटली हाइड है, बिल्कुल भी नहीं दिख रही। अगर यहाँ पे एनिमी आता है तो वो किल हो सकता है। और आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ी सी लोड भी ड्रॉप कर सकते हो, जिससे कि जो है एनिमीज के आने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे और आपको किल मिल सकता है। ट्रिक नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको करनी है सेंतोसा में। ये आपने इंट्रो में भी देखी ली होगी। सबसे पहले आपको यहाँ पे कोई सी भी गाड़ी लेके आ जानी है, जैसे कि जीप हो गई, ब्लू कार, रिक्शा या और भी कोई कार आप यहाँ पे ला सकते हो। गाड़ी सेट करने के बाद आपको यहाँ पे इस साइड में आ जाना है। देन आपको यहाँ पे 3 ग्लोवाल सेट करने हैं, जैसे मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। 3 ग्लोवाल आपको बिल्कुल इसी तरीके से ग्लोवाल सेट करने हैं। और आप चाहो तो 2 ग्लोवाल और लगा के और ऊपर चढ़ सकते हो, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप चाहो तो 3 ग्लोवाल का यूज करके भी इसी तरीके से यहाँ पे चढ़ सकते हो और अपनी रैंक को पुश कर सकते हो। ऊपर चढ़ने के बाद आपको यहाँ से इस साइड से आ जाना है। देन आपको यहाँ पे आराम से धीरे धीरे अपनी जॉयस्टिक को आगे ले जाना है। देन यहाँ पे ग्लोवाल पे चढ़ जाना है। आप चाहो तो ग्लोवाल पे चढ़ने के लिए आप स्कोप का भी यूज कर सकते हो, इससे आसान होता है ग्लोवाल पे चढ़ना। अगर आप थोड़ा और ऊपर चढ़ना चाहते हो, देन आपको यहाँ पे 2 ग्लोवाल और सेट करने होंगे, जैसे कि मैं भी यहाँ पे 2 ग्लोवाल सेट कर रहा हूँ। आप चाहो तो लगाओ या ना लगाओ, वो आप पे डिपेंड है कि आप इससे ऊपर जाना चाहते हो या नहीं। आप यहाँ पे बैठ के भी कैंप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा और ऊपर जाना चाहे तो आपको इसी तरीके से 2 ग्लोवाल और सेट करने हैं, देन आपको यहाँ पे आ जाना है। और अगर आपको यहाँ पे अपनी रैंक पुश करनी है तो आप अच्छे से देख लो मैं कहाँ पे प्रियोन करके बैठूंगा। अभी आपको भी बिल्कुल यहीं पे प्रियोन करके बैठना है, तो आप देख लो मैं यहाँ पे प्रियोन करके बैठा। अगर आपको सर्वाइव करना है तो यहीं पे बैठना, यहाँ पे आपको कोई भी नहीं देख पाएगा किसी भी साइड से, और आप अपनी रैंक को पुश कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो इस टावर पे भी चढ़ सकते हो, यहाँ पे और एक ग्लोवाल लगा के। मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ और एक ग्लोवाल। अगर आप चाहो तो इस टावर पे भी चढ़ सकते हो, और अगर आप चाहो तो वहीं पे रुक के भी कैंप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कैसे आप यहाँ पे इस टावर पे भी आराम से आ सकते हो, और आप इस ट्रिक का यूज़ करके अपने रैंक को पुश कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, कैंप कर सकते हो यहाँ पे। देन आपको जब नीचे जाना हो तो आप कुछ इस तरीके से इस साइड में पहले जंप करना। मैंने यहाँ पे आलोक ऐसे ही यूज़ किया था क्योंकि मेरा हेल्थ कम था। आपको आलोक की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली यहाँ पे इस जंप के लिए, और आप इस ट्रिक का यूज़ कर सकते हो रैंक पुश के लिए। ट्रिक नंबर 3 में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप ट्रेनिंग ग्राउंड में, सोशल जोन में कैसे इस टावर पे चढ़ सकते हो। आप इस ट्रिक का यूज़ करके एनिमीज़ को सरप्राइज कर सकते हो, जो कि सोशल जोन में होते हैं, और अपने टीममेट्स को भी सरप्राइज कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको वही ट्रिक यूज़ करने हैं जो कि हमने पहले भी बहुत सारे वीडियोस में की है। सबसे पहले आपको अपने फ्रेंड पे ऊपर चढ़ जाना है। आप इस ट्रिक को सिर्फ डुओ या स्क्वाड में ही ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसके लिए आपको अपने टीममेट की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। आपको पता ही होगा, ये हमने बहुत सारे वीडियोज़ में ऑलरेडी की है। तो ऊपर चढ़ने के बाद आपको सबसे पहले खुद का स्केटबोर्ड यूज़ करना है। देन अपने फ्रेंड को बोलना है वो स्केटबोर्ड यूज़ करे। उसके बाद आपको अपना स्केटबोर्ड बंद करके गेम को 2-3 सेकंड के लिए मिनिमाइज़ करना है। फिर आप गेम को जैसे ही खोलोगे आप कुछ इस तरीके से उड़ने लगोगे ऊपर की तरफ। इतना ऊपर आने के बाद आप टावर पे जंप करके इस टावर पे चढ़ सकते हो, और अब आप अपने फ्रेंड्स को, टीममेट्स को, या यहाँ पे एनिमीज जो होंगे सोशल जोन में, उनको सरप्राइज कर सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे जो ऊपर इसका छत सा बना है, आप इसके अंदर भी जा सकते हो अपने फ्रेंड्स को दिखाने के लिए, सरप्राइज करने के लिए, और
वन के लिए भी। बाकी स्ट्रिक का कोई खास यूज़ तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसे यूज़ कर सकते हो अपने फ्रेंड्स या टीममेट्स को सरप्राइज करने के लिए। ट्रिक नंबर 4 को करने के लिए आपको सबसे पहले बर्मुडा रिमास्टर्ड में 10 सर्किट में इस हाउस के पास आ जाना है। आप पहले लोकेशन अच्छे से देख लो मैं कहाँ पे हूँ अभी। मैं यहाँ पे आपको मैप पे भी अच्छे से लोकेशन दिखा देता हूँ, जिससे कि जो है आपको आसानी होगी यहाँ पे आने में। देन आपको इस हाउस के इस साइड में चले जाना है जहाँ पे मैं जा रहा हूँ अभी। यहाँ पे आपको सिर्फ एक ग्लोवाल लगेगा इस ट्रिक को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पे आपको एक ग्लोवाल इस तरीके से यूज़ करना है जैसे मैं यहाँ पे अभी डाल रहा हूँ, आप अच्छे से देख लो। ग्लोवाल सेट करने के बाद आपको इसी हाउस के ऊपर चले जाना है सीढ़ियों से, जैसे मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। सबसे पहले आपको ऊपर चले जाना है, देन आपको इस राइट साइड में आ जाना है। इसके बाद आपको इस विंडो पे जंप करना है, आपको इस विंडो पे चढ़ना है और यहाँ से फिर आप उस सामने वाले हाउस पे जा सकते हो। और यहाँ पे आने के बाद आपको इस ग्लोवाल पे आप चढ़ जाना है जंप करके, और आप इस हाउस के रूफ के ऊपर आ सकते हो और आप यहाँ पे कैंप वगैरह कर सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो और अपनी रैंक को भी पुश कर सकते हो। और आप चाहो तो इस वाले हाउस पर भी आ सकते हो, ये भी एक अच्छा हाइडिंग प्लेस है, आप इस पे बैठ के भी अपनी रैंक को पुश कर सकते हो। और आपको यहाँ पे ये जो सामने ये बॉक्स दिख रहा है इसका कवर भी मिल जाएगा, इसकी मदद से आप कवर फायर भी ले सकते हो एनिमीज के साथ। ट्रिक नंबर 5 को करने के लिए आपको सबसे पहले ट्रेनिंग में सोशल जोन में आ जाना है, देन आपको यहाँ पे इस शॉप के पास चले जाना है और यहाँ पे आपको स्केट बोर्ड और बाय बटन जो है एक साथ प्रेस करना है, जैसे मैं यहाँ पे अभी कर रहा हूँ। देन आपको यहाँ पे अपनी जॉयस्टिक का यूज़ करना है, फिर शॉप से थोड़ा सा दूर चले जाना है, उसके बाद आपको ऊपर टैप करके वापस शूटिंग जोन में चले जाना है। शूटिंग जोन में आने के बाद आपको ये जो ऑप्शंस दिख रहे हैं ये बाय करने के, ये फायरवर्क्स, जायंट डाइस और ये बहुत सारी चीज़ें, ये आपके स्क्रीन पे ही रहेंगे, ये वापस नहीं जाएंगे। अभी आप कहीं पे भी चले जाओ ये स्क्रीन पे ऐसे ही रहेगा, ये नहीं हटेगा। जैसे कि मैं अभी यहाँ पे कंबार जोन में जा रहा हूँ, आप देख सकते हो ये ऑप्शंस यहाँ पे भी दिख रहे हैं। आप अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज कर सकते हो इस ट्रिक का यूज़ करके। और आप डायरेक्टली जॉयस्टिक को नहीं पकड़ सकते, आपको थोड़ा सा नीचे से टैप करना है जिससे आपको जॉयस्टिक हाथ में आ जाए। देन आप उसको कहीं पे भी मूव कर सकते हो, थोड़ा सा राइट लेफ्ट आगे पीछे, देन आप अपने कैरेक्टर को मूव कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे किल होते हो फिर से जब आप रिवाइव होगे तो ये फिर से यहाँ पे स्क्रीन पे दिखेंगे ये सारे ऑप्शंस, ये नहीं हटेंगे। तो यही था आज के इस वीडियो में, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।